श्री एसके नुरुल इस्लाम, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मनोहर जोशी जी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परंपराओं, परपाटियों की और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी जी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी जी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसदविद श्री जोशी जी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जिनेवा, चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोज जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्फ उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्फ का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संभल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सीपीएम गिरी यप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरिजप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इसके पूर्व कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री सीपीएम गिरिजप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च
2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री ए गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री ए गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोमटूर तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद जी का निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलोर में के कर्नाटक में हुआ। श्री एम सेल्वराज तमिलनाडु के नागा पट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री एम सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी ने जिन्हें सरकारी उपकरण संबंधी समिति जल संसाधन समिति के सदस्य रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव बी भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा 12 सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रतापराव भोसले जी का निधन 19 मई 2024 को 89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति।
आइटम नंबर 3 माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है, एडजोर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर, संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो, आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है, नहीं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप, सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं, 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इशूड बाय द स्पीकर अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा।
माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए लोकसभा की कार्यवाही, जिसका आज पांचवा दिन था और लगातार लोकसभा स्पीकर इस बात की अपील करते रहे कि सभी विपक्षी दलों को उनका पूरा का पूरा समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, बावजूद इसके विपक्षी नेता लगातार हमलावर नजर आए और लगातार संसद में संग्राम होने के बाद 12 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। संसद सत्र की कार्यवाही का आज पांचवा दिन है और शुरुआत में ही सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई। और इसी के साथ सीधा आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा, दिखाते हैं वहां की खास तस्वीरें कि किस तरह से आगे कार्यवाही चल रही है। आज 25 लाख युवा सड़कों पर, सॉरी प्रमोद जी, उसके साथ जुड़े हुए परिवार के करोड़ों लोग, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्रमोद जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्रमोद जी, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ लीडर ऑफ योर स्टेचर टू मिसयूज द प्लेटफॉर्म, नो प्रमोद जी, यू आर मिसयूजिंग द इंडल्जेंस अकॉर्डेड, यू हैव टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नाउ हैव माय रूलिंग। 267 अलाउज एवरी मेंबर ऑफ द हाउस टू मूव दैट एनी रूल मे बी सस्पेंडेड, दैट I have received 22. Please take your seat. Now, why it is with the consent of the chairman? Because the chairman has to apply his mind. If the chairman finds that the matter can be discussed immediately without wait by debate on the president's address, then why raise this? So this cannot happen. Some members met me in my chamber. They raised the issue. I tried to persuade them that, and I gave them an illustration. I told them that if you are taking a flight to Kolkata and the flight is waiting, seats are booked, still you want to argue, let us argue, can I take this flight? The opportunity is available at your door. The next item will be this only. Address of... और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है, वहीं लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक हंगामे के बाद स्थगित की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्यवाही का आज पांचवा दिन है और हंगामे की भेंट चढ़ती हुई लोकसभा की कार्यवाही जो कि 12 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। और अभी हम आपको राज्यसभा की भी कार्यवाही दिखा रहे थे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी तमाम बातें सदन के पटल पर रखी हैं और लोकसभा की कार्यवाही को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लगातार लोकसभा स्पीकर इस बात की अपील करते हुए नजर आए कि अपना समय आने पर ही, अपना चरण आने पर ही अपनी बात को रखें, जिसके लिए उन्हें भरपूर समय दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दल तमाम जो सदन में मौजूद थे, उन्होंने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर, सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार, सात साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, क्या है, सात साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 70, आई एम नॉट गेटिंग, नो, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू, नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, सर सर बैठिए, प्लीज Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir,
With your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3(1) in today's list of business. Thank you, Chairman, sir. Professor S.P. Singh Baghel. Mohday, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग बीएससी। आई हैव टू इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर्स दैट द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 27 जून 2024 has allotted time for government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the President's address, 21 hours. Honorable members, these 21 hours have to be utilized for issues you seek to raise. It will be walking away from your constitutional obligations when you can discuss right away. Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted and the details are as follows. I have continued with the practice to have 50% of our honorable women members as part of the panel. Sukhendu Shekhar Ray, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta, Rajni Ashok Rao Patil, Sonal Man Singh, Medha Vishram Kulkarni, Sujit Kumar, Fauzia Khan. Honorable members, Sri Sudhanshu Trivedi to move that an address be presented to the President in the following terms, that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 27, 2024. Mohoday, today I, after the new Lok Sabha creation, after Mahamahim राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि क्रमवार उसका बिंदुवार कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम 3 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया कि एक नई सरकार और नई लोकसभा का गठन हुआ है और ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के अमृतकाल की पहली लोकसभा है। भारत की नई संसद बनने के बाद की यह पहली लोकसभा है और उन्होंने अपने बिंदु क्रमांक 3 में ये कहा कि ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव था। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा भारत हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने ना अपनी कोई नीति बदली है ना निष्ठा बदली है। हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो और दूसरी तरफ हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है जिसपे उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। इसलिए कंटिन्यू कर सकता हूं। इसलिए ऑनरेबल मेंबर्स
ऑनरेबल मेंबर्स, दोज ऑफ द मेंबर्स। तो देखिए, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं और सदन में, दोनों ही सदनों में जमकर संग्राम होता हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।